देश में आजकल भीड़ तंत्र हावी होता नजर आ रहा है और इस भीड़ तंत्र को सियासत हवा भी देती नजर आ रही है। आलम यह है कि दिल्ली के शाहीन बाग में एमसीडी कार्रवाई के लिए पहुंची तो भीड़ ने आकर बुलडोजर रुकवा दिया। इतना ही नहीं, आज जब मंगोलपुरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो एक बार फिर से भीड़ तंत्र और सियासत ने बुलडोजर को रुकवा दिया। अब सवाल ये, क्या देश भीड़ तंत्र से चलेगा या संविधान से? ये रिपोर्ट देखिए। अबे कब तक आते हो आप? एक बार देखो, आप एक बार आप देखो, एक काम कर, आप यहां चलो, चलिए कब तक आप पर है। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं। शाहीन बाग तो याद होगा आपको, याद होगा कि कैसे लंबे समय तक एक भीड़ CAA और NRC के खिलाफ बैठी रही, याद होगा कि कैसे लंबे समय तक उस पर सियासत हुई। लेकिन अब एक बार फिर से भीड़ तंत्र शाहीन बाग में हावी होता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन बाग में जाकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए जैसे ही MCD काम शुरू करती है, तभी एक भीड़ MCD के बुलडोजर को रोक देती है। और आज भी जब मंगोलपुरी में MCD अपना बुलडोजर लेकर पहुंची तो भीड़ तंत्र के साथ सियासत भी शुरू हो गई। अबे कब तक आते हो आप? एक बार देखो, आप एक बार आप देखो, एक काम कर, आप यहां चलो, चलिए बताओ कब तक आ पा रहा है, चलिए बताओ कब तक आ पा रहा है, ये तो इस सीट के बाउंड से कब तक आ रहा है, आप भी क्या कर रहे हो? ये सड़क पर अति कर्म पटा, सड़क पर अति कर्म को हटा, चलिए बताओ सड़क पर अति कर्म हटा, चलिए बताओ यहां पर हो क्या रहा है। मुकेश अहलावत यही नहीं रुके बल्कि बुलडोजर के सामने जाकर लेट गए। फिर पुलिस ने विधायक मुकेश अहलावत को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान शाहीन बाग की तरह भीड़ तंत्र ने जमकर हंगामा किया। ऐसा नहीं है कि सियासत एक तरफ से हो रही है, कांग्रेस भी लगातार हमला कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये बुलडोजर MCD के नहीं बल्कि BJP प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के हैं। राजनीति से प्रेरित है ये, आदेश गुप्ता के इशारे पे हो रहा है, ये SDMC के इशारे पे नहीं हो रहा है साथियों। ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसकी पटकथा जो है भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लिखी गई है और भाजपा के आदेश गुप्ता के इशारे पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसके बाद ये सब हो रहा है। और जिस तरह से बांटने की कार्रवाई हो रही है, शाहीन बाग को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे सारा का सारा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और जो इंक्रोचमेंट यही हो। भीड़ तंत्र पहली बार हावी नहीं हुआ है, इसके पुराने कई उदाहरण है। लेकिन सवाल ये है कि जब MCD अतिक्रमण हटा रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्यों आखिर चंद वोटों के खातिर भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है? और इसी भीड़ तंत्र पर BJP ने हमला किया है और शाहीन बाग को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया। नगर निगम की इनकी नो एंट्री है, यहाँ कोई संविधान लागू नहीं होता भारत का। क्या कहा जाए ऐसी जगहों को जहां पर ना भारत की पुलिस जा सकती है, ना भारत का संविधान लागू होता है, ना कानून लागू होता है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं। और इस भीड़ तंत्र को सियासत अपना समर्थन दे रही है। हालांकि शाहीन बाग में चले MCD के अभियान के खिलाफ कोर्ट का रुख भी किया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि आज भी मंगोलपुरी में भीड़ तंत्र हावी हुआ और MCD को अपनी कार्रवाई को बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन इन अवैध निर्माण और अतिक्रमण की वजह से अगर कोई घटना हुई तब ये भीड़ तंत्र क्या कहेगा, क्या कहेगी दिल्ली में हो रही सियासत? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।